और भारत में मुस्लिम कश फसादात पर गहरी तशवीश। इंतहा पसंद मोदी सरकार इन फसादात की जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कतरी अमीर को आगाह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से भी आगाही दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कतरी अमीर शेख तमीम बिन अहमद आल सानी से गुफ्तगु में कहना था कि भारत में जारी मुस्लिम मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश है। हिंदू तवा नजरिए से मुतासर मौजूदा भारतीय हुकूमत इन फसादात की जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय फोर्सेज के मजालिम से भी आगाह करते हुए बताया कि आरएसएस नजरियात पर चलने वाली बीजेपी हुकूमत कश्मीर के हकूक पामाल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे कतर के ऐलानिये में कहा गया कि दोनों सरबराहान में वन ऑन वन मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान समाजी और मुआशी पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे में कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगान मुफाहमती अमल की भरपूर हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेंगे।